क्या बेटी होना गुनाह है? क्या बेटी होना गुनाह है? क्या आयशा जैसी बन जाऊँ मैं? क्या आयशा जैसी सुसाइड कर लूँ मैं? मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ मैं? मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब है, फिर भी वो लोग हर चीज़ से मेरी शादी करे, अच्छा सा खाना दिए, अच्छा सब दाम दहेज हर चीज़ दिए, फिर भी वो लोग सेटिस्फाई नहीं है मेरे से। मैं क्या करूँ? अब मेरे को छोड़ना चाह रहे हैं लोग, तो मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? सुसाइड कर लूँ मैं? क्या करूँ मैं? 20 ईयर्स के बाद उसकी शादी होती तो हर बेटी ससुराल में जाती। रिसेंटली उन्हें चेंज नहीं होती ना, उसको टाइम होना पड़ता ना, थोड़ा सा वक्त होना, मेरे को भी वक्त होना, हर बेटी को वक्त होना, सडन उन्हें चेंज नहीं हो सकती ना। बट सास लोग को ऐसा रहता कि आगे ना एक दिन में चेंज हो जाना। शादी के तीसरे दिन से काम करना स्टार्ट करी मैं, शादी के तीसरे दिन से काम कराना स्टार्ट करे, फिर भी लोग सेटिस्फाई नहीं है मेरे से। अब मेरे को नहीं होना बुरे, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को इंसाफ होना सर, मेरे को इंसाफ होना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम तहसीन बेगम है। रिसेंटली जो वीडियो वायरल हो रहा था चंद्रान गुट्टा गाजी मिलत कॉलोनी, उससे रिलेटेड जो केस है, मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि मेरा कैरेक्टर ख़राब है। मैं इसके रिप्लाई में देना चाहती हूँ कि ये मेरे पास प्रूफ है कि उनके बेटे का कैरेक्टर ख़राब है। उसामा अनवर उनका नाम है, देख सकते हैं आप लोग, देखिए आप लोग कि उन्होंने किसी लड़की से बात करें, सामिया फ़ातिमा वो लड़की का नाम है, मलकपेट की रहने वाली लड़की है। उन्होंने बोल रहे हैं कि स्टूडेंट है, उन्होंने सिंगल है, उनके दो भाइयाँ हैं, दो बहना हैं, उनकी फैमिली के पूरे डिटेल्स बोल रहे हैं उन्होंने कि और कभी आओ रेस्टोरेंट में मिलेंगे, डिनर पे आइए, ऐसे बात कर रहे हैं उन्होंने चैट्स पे। आपको ये चीज़ कब पता चली? ये 17 जून को मालूम हुआ मेरे को, तब मालूम हुआ तो उन्होंने मेरे को मारना स्टार्ट कर दिए। मेरे ऊपर बैठ के दो हाथों पे पैर रख कर ऊपर बैठ के घूंसे बना के ऐसा मार रहे थे उन्होंने मेरे को, और कबट में डाल के बंद कर दिया उन्होंने मेरे को, डोर लॉक करके चले गए उन्होंने मेरे को, डिच्चे मारे उन्होंने मेरे को, और फांसी दो बार फांसी दे दिया उन्होंने मेरे को, तो ओढ़नी से सलपट के ऐसा खींच के लेके गए रूम में मेरे को, और सीढ़ियों पे से भी मार लेते हुए लेके आए उन्होंने मेरे को ऐसा। तब मेरे को चैट्स के बारे में पता चल गया था, मैं पूछी थी ये क्या है, उन्होंने स्टार्ट कर दिए मारना मेरे को। मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके बुलाया कि आपकी बेटी को कुछ काम करने नहीं आ रहा, कुछ करने नहीं आ रहा बल्कि मेरे पेरेंट्स को ऐसा बोल के बुलाया। 19 को मेरे पेरेंट्स को कॉल करे थे, संडे का दिन था, बुलाए, पेरेंट्स आए, मेरे पेरेंट्स आए तो मारना स्टार्ट कर दिए। बात करते करते पापा को मालूम हुआ कि मेरे को मारे हैं लोग, तो पापा बोले जामिया निज़ामिया को आइए, आप लोग बात करेंगे वहाँ पर। तो वो लोग जामिया निज़ामिया को भी आना नहीं चाह रहे क्योंकि वो लोग मेरे को ऑलमोस्ट छोड़ना चाह रहे हैं, मेरे को नए पसंद हूँ उनको बोल रहे हैं, मेरे को छोड़ना चाह रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी मेरे को छोड़ना चाह रहे हैं, मेरे को मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ बल्कि सब बोल रहे हैं उनके पेरेंट्स भी, ऐसा बोल रहे हैं। अब बस हो गया तुम्हारे से, नहीं होना तुम, ऐसा बोल के अटैक करना स्टार्ट कर दिया लोग मेरे को, मेरे को मारे, मेरे पेरेंट्स को मारे, मेरे भाइयों को मारे, मारकर अभी झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसे मुसलमानों की वजह से दूसरे मुसलमानों का नाम ख़राब हो रहा, सारे मुसलमान ख़राब है बोल के मालूम हो रहा। वो लोग बोल रहे कि आपके भाइयों आपके हस्बैंड के भाइयों को बुलेट से मारे बोल रहे हैं गलत है सरासर। उनके पूरे भाइयों के फ्रेंड्स को बुला लिया उन्होंने, उनके भाइयों के फ्रेंड्स को बुला के जमिया निकाल लिए, छुरियाँ निकाल दिए। वहाँ के गली के लोग बोले कि अरे नहीं, लोग जमिया निकाल रहे हैं, आप लोग पीएस को जाइए। उन लोगों की रिकमेंड पर हम लोग पीएस को गए, चंद्रान गुट्टा पीएस को गए। वहाँ पर पीएस पर देख कर ऑफिसर बोले कि हॉस्पिटल को, जो ओवेसी हॉस्पिटल को गए हम लोग। वहाँ पर वन डे में एडमिट थी, 20 जून को मैं डिस्चार्ज हुई वहाँ पर, 20 जून 9:00 को मैं वहाँ पर डिस्चार्ज हुई। जैसे कि कल आपके 20 जून को मैं डिस्चार्ज हुई ओवेसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जब मैं घर को आई, तब मैं इनका वीडियो देखी कि इन्हों मेरे खिलाफ़ गलत बात बोल रहे हैं। मेरे को शौक़ नहीं है मीडिया में आने का, मेरे को ये शो ऑफ करने का शौक़ नहीं है क्योंकि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, बट मेरे को अपने आप को इंसाफ होना है, मेरे को अपने आप को सही प्रूफ करना है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को यूरिन प्रॉब्लम है ऑलरेडी, उनको यूरिन में जलन होती है, इन्फेक्शन है उनको यूरिन में। इवन मैं ख़ुद उनको टैबलेट देती हूँ, निपटास टैबलेट है, सिट्राकल सिरप है, डेली आफ्टरनून में खाते उन्होंने ये सिट्राकल सिरप पीते, और नाइट में निपटास टैबलेट है वो खाते उन्होंने।
लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं कि आपके भाया हमारे सोए बोलकर बोल रहे हैं। सरासर झूठ है ये, सरासर झूठ है। उनको पहले से ये यूरिन प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन होता है, जलन होती है, इन्फेक्शन होता। ये मेरे सास रिसेंटली मेरे को 1 मंथ पहले बोले थे मेरे सास कि इनको ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, हर इंसान को रहता, मैं सही कर देती हूँ उनको टैबलेट्स दे के, कोई बात नहीं बोल के मैं उनको मैनेज करके चल रही हूँ थी। उन्होंने बोले कि आपसे बात करा जाने निजामिया में कि आपका कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत है बोलकर आप उससे माफ़ी चाहते बोले गए थे, पैरा पढ़ते बोले गए थे, ये चीज़ ये गलत है, सरासर गलत है ये बात, ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। क्या मैं के मुल साहब से बात कराए, ये काम सही नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोली ठीक है मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, मैं सही करती हूँ अब से नहीं होता ऐसा। बल्कि मैं ऐसा बात करी कि उन्हों गलत वे में लेके जा रहे हैं कि मेरा कैरेक्टर ख़राब है, लेकिन उनका कैरेक्टर ख़राब है, मेरे पास प्रूफ है ना उसका, मैं क्या करूँ अब उनका प्रूफ लेके। आप देख रहे हैं ना आप लोग गलत जी हो, बताई मैं उनको बताया तो उन्होंने माना स्टार्ट कर दिया उन्होंने मेरे को, पीएस में भी बताया, सब जगह बताया इनके प्रूफ्स। मैं पीएस में जाके ये इनकी कंप्लेन करी तो उनके भाइयां बोल रहे हैं कि हमारे जेब में रहता पीएस, क्या भी कर ले सकते हमला, क्या भी कर लेते हम अगन पाने के वैसा पैसा है, हम अगन कुछ भी कर लेते हम लोग, ऐसा बोल रहे हैं लोग। मैं कहाँ जाऊँ अब, किस कने जाऊँ, कैसा इंसाफ मिलता मेरे को, बोलिए आप लोग ऐसा करे तो। मेरे सास बोल रहे कि अब तेरा आखिरी कदम है ये घर में, अब तू ये घर में आना ही नहीं, गाली दे रहे हैं उन्होंने मेरे को, गालियां दे दे के हाथ पकड़ के बाहर ढकल दिया उन्होंने मेरे को। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसका नहीं जाऊँ, कैसा इंसाफ मिल सकता मेरे को, कोई पीएस में कोई कहाँ जाऊँ मैं, उन लोग हर जगह पैसे दे दे रहे हैं, मैं क्या करूँ अब। आप लोग बोलिए क्या करूँ मैं, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बहन ऐसे ही तड़पते रहना हमेशा, हर हमेशा क्यों, लड़की कुछ सहना पड़ता क्यों, कैसा इंसाफ मिल सकता आप लोग बोलिए, कैसा इंसाफ क्यों मैं ऐसे ही रहा। तो कोई सुसाइड कर लेती, कोई किधर भी चले जाती, क्या करती लड़की बोलिए आप लोग। अगर इनकेस पेरेंट्स इतना सब पढ़ा के करके शादी करके देते, इतना सब दाम दहेज सब देते, फिर भी उन लोग सेटिस्फाई नहीं रहते कि उन लोगों की बेटी सेफ है नहीं है, बेटी क्या करना आप लोग बोलिए, क्या सुसाइड कर लूँ मैं, क्या कर लूँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं, कैसा मिलता मेरे को इंसाफ। आप लोगों से अपील है मेरी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे को इंसाफ चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस, प्लीज़ प्लीज़। गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी, बीवेल हर्बल हेल्थ केयर GMP अप्रूव्ड और ISO सर्टिफाइड 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। मुल्क व बैरून मुल्क हजारा मरीज शफा याब हो चुके हैं। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर में जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली दवाओं से तमाम अमराज जैसे हर तरह का कैंसर, TB, गुर्दे और पित्ते में फतरी, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, दिल की नालियों का बंद हो जाना, लीवर के अमराज, थायराइड, बवासीर, डायबिटीज, जिंसी अमराज, जोड़ों का दर्द, फालिज के अलावा दिगर अमराज का मुकम्मल और जनाना मरीजों के लिए अलायदा लेडी डॉक्टर की भी सहूलत है।